हमारे धरती पर आप जो हर चीज़ होते हुए देखते हो, ये नहीं है कि वो वैसे ही होती हो। हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते हैं, बारिश भी होती है, और जो कुछ भी वो होता है वो हमारे आँखों के सामने होता है, जिसे हम महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। पर जो कुछ भी हमारे पृथ्वी पर होता है वैसा ही दूसरे ग्रहों और गैलेक्सीज में भी होता होगा, ऐसा मानना सही नहीं है। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है, तो पृथ्वी इसके सामने एक मामूली सा ग्रह है। तो जो कुछ भी होता है वो ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे ग्रह है जिनमें घटने वाली घटनाएं, जैसे मौसम बदलना हो या मामूली सा बारिश हो या तूफान बदलना हो, इन ग्रहों पर गुजरने वाला मामूली सा दिन हो, वे सब यह इस कदर होते हैं कि पृथ्वी इसके सामने गिनती में भी नहीं आती है। अगर आप हीरो के शौकीन हैं और सबसे अमीर बनना चाहते हैं, तो इस ग्रह पर ज़रा नज़र डाल दीजिए। ये ग्रह है 55 कैंक्री ई, जो कि पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि करीब 400 लाख करोड़ किलोमीटर्स। पर इसकी दूरी की दिक्कत को छोड़िए और इस ग्रह की एक तिहाई हीरो की बनी सतहों को देखिए। इस ग्रह पर हीरे ही हीरे है। दरअसल इसका वातावरण कार्बन से बना हुआ है, जिसके कारण इसके तारे और इसकी अंदरूनी गर्मी के दबाव के कारण यहाँ का सारा मैटर हीरे में बदल गया है। यहाँ पर इतना हीरा है कि एक अनुमान के मुताबिक अगर इसके सारे हीरे की पृथ्वी पर कीमत लगाई जाए तो वेस 27 नैनोलियन डॉलर्स बनती है। एक नैनोलियन के पीछे 30 जीरो होते हैं। आप इससे इसकी कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। पर आप इस ग्रह पर गलती से भी हीरे लेने पहुंच जाते हैं तो आपकी ये आखिरी इच्छा बन जाएगी और वो कभी पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी से 2 गुना ज़्यादा बड़ा और 9 गुना भारी है, जिसके कारण आप यहाँ दब कर ही मर जाएंगे। अब आइए जाते हैं हमारे सेकंड प्लेनेट की ओर, जिसे प्लेनेट की जगह नर्क बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ आपको 2 नर्क एक साथ देखने को मिल जाएंगे। CORAT-7b नाम का ये ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और अपने तारे की सूर्य की पृथ्वी की दूरी से 60 गुना ज़्यादा कम दूरी से परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से टाइडली लॉक है, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा इसकी तारे की तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है। जो साइड स्टार की तरफ रहती है वो इतनी गर्म है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह वीनस से भी 6 गुना ज़्यादा गर्म है और इसका सरफेस टेम्परेचर हैरान कर देने वाला 2600 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लेनेट की इस साइड पर पानी की जगह पिघलती हुई चट्टानों के समुद्र है और यही चट्टानें फिर भाप बनकर इसके एटमॉस्फेयर में जाकर बारिश की तरह बरसती है। और वही इसकी दूसरी साइड जो अंधेरे में रहती है, वहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि अगर आप गलती से भी वहाँ उतरते हैं तो सेकंड के 10वें हिस्से में ही आप बर्फ के पत्थर बनकर खत्म हो जाएंगे। -235 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान एकदम नर्क की तरह ही है, जिसका वर्णन आपको कई धार्मिक किताबों में भी मिल जाता है। फिलहाल तो ये ग्रह हमारे पहुँच से 489 लाइट ईयर्स दूर है, तो यहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको उन ग्रहों के बारे में बताया है कि किसी ग्रह में हीरो का खजाना पड़ा है पर हम उन पर जा नहीं सकते हैं, और किसी पर पृथ्वी से लाखों गुना ज़्यादा भयानक तापमान है जो किसी नर्क से कम नहीं। दोस्तों, आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।